सभी को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे व्याकरण के नेक्स्ट पार्ट उच्चारण स्थान पर, रेंज ऑफ स्पीच। अब तक हमने व्याकरण में क्या किया है, वर्ण किए हैं, वर्णों के भेदों पर चर्चा की है, स्वर स्वर के भेदों पर चर्चा की है, व्यंजन व उसके भेदों पर चर्चा की है, अयोग वाह व उसके भेदों पर चर्चा की है। अब उच्चारण स्थान है, जो वर्णमाला है, वर्णों वर्णमाला में जो स्वर हैं वे स्वर हमारे मुख के जिस किसी भाग से उच्चारित होते हैं वह स्थान, वह भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। वर्णमाला में स्थित वर्ण हमारे मुख के जिस किसी भी भाग से उच्चारित होते हैं वह भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। ई अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है, अकुहे विसर्जनीय नाम कंठ है। ए आ यहाँ से लेंगे, ऐसे ए आ कुमिंस, कुमिंस का वर्ग, क ख ग घ ग और विस है और विसर्ग है और विसर्जनीय मीन्स विसर्ग, ये सभी कहाँ से उच्चारित होते हैं, कंठ से उच्चारित होते हैं, इसलिए इन्हें कंठ वर्ण कहते हैं। कंठ वर्ण ये यहाँ से, यहाँ कंठ है, यहाँ कंठ है और ये गले से यहाँ से उच्चारित होते हैं, ये कंठ है हमारा, यहाँ से ध्वनि उच्चारित निकलती है, इनको बोलते इसमें। नेक्स्ट है ईचू यशानाम तालु, ईचू यशानाम तालु जो सूत्र है, इस सूत्र में किस किस वर्ण को रखा गया है देखते हैं। ई ई चू में से चवर्ग, चू में से चवर्ग, चवर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, च छ ज झ ञ, ये चवर्ग में आते हैं और य और स, य और स, ये स तालव्य सकार है। ईचू यशानाम तालु ये वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं, हमारे तालु आदि भाग से बोले जाते हैं, ये तालु है, ऊपर वाला हिस्सा, जीभ से ऊपर वाला हिस्सा जो है वह तालु है। ये जो वर्ण है ई ई चूमिन सवर्ग, य और स तालु से उच्चारित होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, तालव्य वर्ण कहते हैं। तालव्य वर्ण कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है रीटु रसानाम मूर्धा, रीटु री दीर्घ री, टू मीन्स टवर्ग, टवर्ग टू मीन्स टवर्ग, ये जो वर्ण है री री, टवर्ग मीन्स ट ठ ड ढ ण, ये और र और स, ये हमारे कहाँ से उच्चारित होते हैं, ये मूर्धा से उच्चारित होते हैं। कहाँ से उच्चारित होते हैं, मूर्धा से उच्चारित होते हैं। ये सभी वर्ण इन सूत्रों के माध्यम से जो आपको बताए जा रहे हैं, इन सूत्रों में ही सब छिपे हुए हैं। री मीन्स हर्षव री और दीर्घ री, टू मीन्स टवर्ग, रे और स, ये कहाँ से उच्चारित होते हैं, मूर्धा से उच्चारित होते हैं। कहाँ से बच्चों, मूर्धा से उच्चारित होते हैं, इसलिए इन्हें मूर्धन्य वर्ण कहते हैं, मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। लरी तु लसानाम दंता, लरी तू मीन से तवर्ग, तू मीन से तवर्ग, ल और स, ल व स कहाँ से उच्चारित होते हैं, दंता दंत से उच्चारित होते हैं। दंत सभी को पता है, दंत हमारा बाहर वाला हिस्सा, ये टीथ, इनको क्या बोलते हैं, दंत बोलते हैं। और ये हमारे लरी टू मीन्स तवर्ग और ल और स, ये स सीक्वेंस में देख लें बच्चे, ये स स स ये कहाँ से उच्चारित होते हैं, ये तालु से उच्चारित होता है, तालव्य सकार बोलते हैं इसको, इसको मूर्धा मूर्धन्य सकार बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, इसको दंत सकार बोलते हैं, इसको दंत सकार बोलते हैं। फिर है उपुब्धमानीय नाम ओष्टव, उ उ पु मीन्स पवर्ग,
वर्गों को भी बांट दिया गया है, यहाँ पर वर्गों को भी सपर्श व्यंजन में जो वर्ग हैं उन वर्गों को भी बांट दिया गया है। वो हर वर्ग किसी अलग स्थान से उच्चारित होता है और वह स्थान इस प्रकार से हैं, जैसे चवर्ग तालु से, कवर्ग कंठ से, टवर्ग मूर्धा से और तवर्ग दंत से। ये पवर्ग है, पवर्ग कहाँ से उच्चारित होता है? औष्ट से, औष्ट, औष्ठ्य वर्ण कहते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? औष्ठ्य वर्ण कहा जाता है। ए दई, ए दईता, ए और आई, ए और आई ये कहाँ से उच्चारित होते हैं? ये कंठ व तालु, कंठ व तालु दोनों से उच्चारित होते हैं, कंठ व तालु दोनों से उच्चारित होते हैं। किस वजह से होते हैं, किस कारण से होते हैं? क्योंकि ये एक संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। किस किस से मिलकर बना है? ए, ए किस से मिलकर बना है? ए मिलकर बना है ए, ए प्लस ई, किस से मिलकर बना है? ए प्लस ई से ए बना है। ए कहाँ से उच्चारित होता है? ए उच्चारित होता है कंठ से, और ई कहाँ से उच्चारित होती है? ई उच्चारित होती है तालु से, इसलिए कंठ तालु, इसलिए इनको कंठ तालु वर्ण कहा गया है, कंठ तालु वर्ण कहा गया है। फिर है ओ दौ तो, ओ और औ दोनों वर्ण कहाँ से उच्चारित होते हैं? कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ से, कंठ और ओष्ठ से क्यों उच्चारित होते हैं? क्योंकि ओ देख लेते हैं, ओ किससे मिलकर बना है? ओ बराबर ए और ऊ से, क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। ए और ऊ मिलकर क्या हो जाता है बच्चों? ए और ऊ मिलकर ओ हो जाता है। तो इसलिए ए कहाँ से उच्चारित होता है? ए उच्चारित होता है कंठ से, और ऊ कहाँ से उच्चारित होता है? ऊ उच्चारित होता है ओष्ठ से, उपोपधमानिया नाम ऊ ओष्ठ से, इसलिए इनको कंठ ओष्ठ कहा गया है, कंठ ओष्ठ कहा गया। वकार से दंत ओष्ठ है, वह वर्ण जो है, वह वर्ण दंत और ओष्ठ दोनों से ही उच्चारित होता है, वह वर्ण दंत और ओष्ठ दोनों से ही उच्चारित होता है। नासिका, नासिक के वर्ण जो है, नासिक के वो नाक से उच्चारित होते हैं, नासिक के वर्ण, नासिक के वर्ण जो अनुस्वार है, यानी कि अनुस्वार कहाँ से उच्चारित होता है? ये कहाँ से उच्चारित होता है? ये हमारे नाक से उच्चारित होता है, क्योंकि परिभाषा करते टाइम मैंने आपको बताया था कि अनुस्वार के उच्चारित करते समय जो उत्पन्न ध्वनि है, उत्पन्न ध्वनि नाक से बाहर आती है, इसलिए ये नासिक के वर्ण है। यंग ना नाम नासिका, सभी वर्गों का पंचम वर्ण, सभी वर्गों का पंचम वर्ण जो है वह नाक से ही उच्चारित होता है। अंग, अण, न और मैं कहाँ से उच्चारित होते हैं? नासिका से। कहाँ से उच्चारित होते हैं बच्चों? नासिका से। जीवा मूल्य, जीवा मूल्यम, जीवा मूल्य क्या है? जीवा मूल्य है ये इस प्रकार का चिन्ह है। कब होता है ये? क और ख से पहले विसर्ग आने पर जीवा मूल्य हो जाता है। क और ख से पहले विसर्ग होंगे तो जीवा मूल्य हो जाता है। फिर है मुख नासिका वचनोनुनासिक है, मुख नासिका वचनोनुनासिक है। मुख यानी कि कंठ तथा नासिका से उच्चारित वर्ण अनुनासिक कहलाते हैं, अनुनासिक, अनुनासिक कौन से वर्ण हैं? जो मुख और कंठ से उच्चारित होते हैं, अनुनासिक वर्ण कंठ व मुख दोनों से उच्चारित होते हैं, इसलिए मुख नासिक वचनो अनुनासिक इनको कहा जाता है। दोबारा से देख लेंगे ये चित्र के माध्यम से। ओष्ठ जो हमारा होठ है, इनसे उच्चारित होने वाले कौन से हैं? उपोपधमानिया नाम ओष्ठौ, होठ से उच्चारित होने वाले उपोपधमानिया नाम ओष्ठौ। उपोपधमानिया नाम उ, पवर्ग, पवर्ग
प फ ब भ म, ये हमारे ओष्ठ हैं, ओष्ठ वर्ण हैं। और उपधमनीय में एक और ध्वनि उच्चारित होती है जो प और फ से पहले जो विसर्ग आते हैं उनको भी उपधमनीय ही कहा जाता है, और ये हमारे ओष्ठ से ही उच्चारित होते हैं। फिर है दंत, दंत दंत से उच्चारित होने वाले वर्ण लरितुलसानाम दंतः, लरितुलसानाम दंतः, जैसे लरी तू मीन्स तवर्ग, ल ल व स, तवर्ग मीन्स त थ द ध न ल और स, ये हमारे कहाँ से उच्चारित होते हैं, दंत से उच्चारित होते हैं। मूर्धा, मूर्धा इन वर्णों को बोलते समय जो जीवा है हमारी वो एकदम ऐसे इस प्रकार से बैंड हो जाती है, मुड़ जाती है, वह अंदर वाला हिस्सा जो खुरदरा हिस्सा है वह मूर्धा होता है। मूर्धन्य वर्ण कौन से हैं, री री ट ठ ड ढ ण, इन वर्णों को हम उच्चारित करेंगे तो जीवा इस प्रकार से मुड़ी हुई प्रतीत होती है, वह अंदर वाला खुरदरा हिस्सा जो है हमारे मुख में वह मूर्धा होता है। तालु, तालु यह ऊपर वाला हिस्सा होता है जो दांतों से लगा हुआ होता है। ये तालव्य वर्ण कौन से हैं, तालव्य वर्ण है ईचू यसानाम तालु, ई ई च मीन्स चवर्ग, च छ ज झ य और स, ये स ये तालव्य वर्ण है। फिर है कंठ, कंठ जो हमारा गला है, गले से कहाँ क्या क्या कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं, ए आ कवर्ग मीन्स क ख ग घ ग ह और विसर्ग, ये हमारे गले से उच्चारित होते हैं। तो बच्चों ये आपका उच्चारण स्थान का चार्ट है, इसको ध्यान से देखेंगे और फिर नोटबुक में उतार लेंगे। धन्यवाद।